गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है, हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग मिल रहा है और निफ्टी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है। तो ऐसे में अगर मार्केट यहाँ पे अपसाइड निकले तो यहाँ पे हम बाय करने का मार्केट के अंदर प्लान बना सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग में आना शुरू होता है तो फिर हमें 10 से 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा। देखते हैं फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा या फिर मार्केट में कुछ हमें रिवर्सल नज़र आता है, तो डाउनसाइड में जाते हुए मार्केट में थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अगर अपसाइड निकलता है तो हम थोड़ा जल्दी बाय मार्केट के अंदर कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि निफ्टी में क्या चल रहा होगा। ये इसमें भी हमें बाइंग साइड का मोमेंटम मिलना चाहिए जब हम बैंक निफ्टी के अंदर बाय कर रहे होंगे, अदरवाइज़ क्या होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट होकर दोबारा से सेलिंग वगैरह में आ जाता है और या फिर काफ़ी बार यहीं से सेलिंग होना शुरू हो जाता है, तो वो हमें ध्यान रखना है और ज़्यादा इसमें चिंता नहीं है बाय करने में। तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बात बन नहीं रही, क्योंकि बैंक निफ्टी के आसपास रेजिस्टेंस है और जो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ पे फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बाय का मार्केट के अंदर प्लान बनाया तो जा सकता है लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, तो इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं, थोड़ा सा अभी भी क्लियरिटी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से सेलिंग बैंक निफ्टी तो सेलिंग का चार्ट बना के बैठा है और निफ्टी अपसाइड भागने की कोशिश करेगा तो फिर बैंक निफ्टी दोबारा से अपसाइड चलना शुरू कर सकता है, तो छोटी सी प्रॉब्लम भी है और मार्केट के अंदर मोमेंटम कैप्चर भी किया जा सकता है। एक दो मिनट का और इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं। अभी मार्केट में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़ोरदार यहाँ पे ले लिया है मार्केट ने, तो अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। यही खतरा था कि निफ्टी ब्रेकआउट करेगा और बैंक निफ्टी में सेलिंग वगैरह आ सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम पोजीशन बनाने वाले हैं, तो पहले मैं पोजीशन बना लेता हूँ उसके बाद हम मार्केट को देखेंगे। 600 क्वांटिटी यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं, उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे 600 क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर लेते हैं। तो अभी मार्केट में अपना 4000-3000 के अराउंड लॉस नज़र आ रहा है। बात कर लेते कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया। देखिए क्या था कि हमें छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट में बैंक निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ कंटिन्यू जाएगा, लेकिन निफ्टी में नज़र आ रहा था कि अगर ये ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट यहीं पर ओपन हुआ था, तो ब्रेकआउट करते ही यहाँ पर हमें फेल होता हुआ नज़र आ सकता था मार्केट में, फिर बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लिया। लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार था मार्केट में कि यहाँ से सेलिंग तो आ रहा है लेकिन काफ़ी बार क्या होता है सपोर्ट के आसपास दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो वो एक सिचुएशन थी। लेकिन यहाँ पे जब मार्केट कंटिन्यू निकलना शुरू किया तब जाकर हमने यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस मार्केट ने कन्फर्म कर दिया है। अभी भी देखिए सिचुएशन हमारे लिए ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट को अच्छा खासा डाउन साइड जाना है तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, अदरवाइज़ अगर नहीं निकलना होता तो निफ्टी ऐसा गिरावट नहीं करता। अगर निफ्टी में इतना गिरावट आ रहा है तो बैंक निफ्टी अपने आप को और भी ज़्यादा डाउनसाइड में ले जाएगा। अगर निफ्टी दोबारा से अपसाइड चलना शुरू किया तो बैंक निफ्टी में फिर क्या होगा, हमें कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब बाइंग तो मुश्किल ही आएगा यहाँ पे। हाँ, हमारा लॉस हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कंप्लीट बाइंग में जाना मार्केट के लिए मुश्किल है, या फिर ये दोबारा से एक रेंज में चला जाएगा, ये एक रेंज हो गया और ये एक रेंज हो गया, तो ऐसा कुछ करता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज़ मार्केट में हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल जाना चाहिए। 3000 के अराउंड अभी अपना लॉस नज़र आ रहा है, देखते हैं ये तो सेलिंग में आएगा और ये सेलिंग में आएगा तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा सेलिंग में हमें मिल सकता है। थोड़ा सा देखते हैं इनको, अलर्ट मोड में रहेंगे, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं। देखिए जिस प्रकार की प्रीमियम हमारे पास है अराउंड अराउंड हम यहाँ पे रखेंगे, लगभग लगभग आप कह लीजिए 80,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट रहने वाला है और 80,000 के आसपास हमारा लॉस रहने वाला है। अभी अपना 34,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, कैंडल तो अच्छा बना है, जल्दी निकल जाएगा मार्केट, टाइम नहीं लेगा, बस हमें निफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, निफ्टी में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक निफ्टी में ऐसा है देखिए कि रिट्रेसमेंट हो सकता है, कंप्लीट बाइंग में नहीं जाएगा, और रिट्रेसमेंट क्यों होगा, निफ्टी के कारण। अगर निफ्टी में थोड़ा बहुत अपसाइड का मोमेंटम आता है उस वजह से क्या हो जाता है, बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट आता है। कंप्लीट बाइंग में अब ये नहीं जाना चाहिए अगर हम सही सोच रहे हैं मार्केट के बारे में, और अगर गलत सोच रहे हैं तो फिर हम लॉस लेके निकल जाएंगे 80,000 के आसपास। चलिए अभी तो ये कंटिन्यू सेलिंग में आ ही रहा है, 6000,
प्रॉफिट यहाँ पे जल्दी से कम भी होगा और ज़्यादा भी होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी पोजीशन का। तो ऐसे नहीं कि मार्केट में आप छोड़ के चले जाओगे तो बात बन जाएगी। थोड़ा सा संभल कर ही आप यहाँ पे काम करते रहिए, और रिट्रेसमेंट वगैरह आए तो मार्केट में अपनी पोजीशन को जल्दी से काट लीजिए जब भी आपका लॉस मार्केट के अंदर नज़र आए। ठीक है, निफ्टी में सेलिंग होना ज़रूरी है। बैंक निफ्टी तो सेलिंग में चला जाएगा, निफ्टी का थोड़ा देखते रहते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। चलिए इंतज़ार करेंगे, यहाँ पे टाइम लगने वाला है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह आएगा तब हम देखते हैं कैसा आएगा। तो यहाँ पे अपने पोजीशन में 43,000 के अराउंड प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है। बैंक निफ्टी निकला तो है सेलिंग में, लेकिन निफ्टी कुछ ज़्यादा ही निकला। इससे क्या होगा कि बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट वगैरह ले सकता है यहाँ से, तो इस बात का थोड़ा समय ध्यान रखना होगा। ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि मार्केट ले लेता है सपोर्ट वगैरह, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, तो रिट्रेसमेंट आएगा तो अपना क्या हो सकता है, प्रॉफिट वगैरह कम हो सकता है। और जब प्रॉफिट वगैरह कम हो, तब जब आपकी साइकोलॉजी काम करती है ना मार्केट के अंदर, वही होता है कि आप ट्रेडिंग में यहाँ से प्रॉफिट बनाओगे या नहीं बनाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी पोजीशन को मेंटेन करना होता है। अब आपको प्रॉफिट चल रहा था तब आपको कोई डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब यहाँ से सपोर्ट लेगा, रिट्रेसमेंट आएगा, तब आप वहाँ पे क्या करोगे, अपनी पोजीशन के साथ काट के निकल जाओगे या मार्केट के अंदर बैठे रहोगे कि आपने पहले पोजीशन क्यों बनाया था, क्या सोचकर बनाया था, तब तो बात बन जाएगी। अदरवाइज मार्केट में क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हम छोटी पोजीशन में छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, फिर मार्केट दोबारा से नीचे ऊपर करता हुआ हमें ट्रैपिंग में ले जाता है, और फिर हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना नहीं पाते। तो ये बात आप ध्यान रखोगे यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभल कर काम करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के आसपास सपोर्ट वगैरह आ चुका है। निफ्टी तो सेलिंग में चल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी का ऊपर थोड़ा सा फोकस रखिए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो कुछ रिट्रेसमेंट आ सकता है, कंप्लीट बाइंग में तो तब जाएगा अगर कोई अच्छा कैंडल यहाँ पे देखने को मिले, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो अभी तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन साइकोलॉजी को मेंटेन करके रखिए कि मार्केट में यहाँ पे जब रिट्रेसमेंट आएगा तब आप यहाँ पे क्या करने वाले हो। ठीक है, तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट ले भी लिया है और कुछ अपसाइड जाने की भी कोशिश करा है, और हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो देखते हैं, अभी तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन सपोर्ट वगैरह ले लेता है मार्केट तब हमारे लिए सिचुएशन काफ़ी ख़राब कर देता है मार्केट, और ये एग्जैक्टली लेके बैठा है। अगर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करता तब भी डर नहीं लगता, लेकिन ये एग्जैक्टली सपोर्ट लेके बैठा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम कर देता है। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से सपोर्ट मार्केट ने ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बड़ा सा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया तब हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट या रिवर्सल भी हो जाता है काफ़ी बार, तो वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए मार्केट एक रेंज के अंदर बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा संभल कर ही देख रहे हैं मार्केट में। और अभी जो अपना प्रॉफिट चल रहा था वो तो मार्केट ले गया, थोड़ा सा फोकस रखिए यहाँ पे मार्केट में। अगर रिवर्सल वगैरह आ रहा है तो लॉस वगैरह कितना आपको नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को देखते रहिए, और ज़्यादा ही अगर अपसाइड निकलता है तो अपना लॉस लेके निकल जाइए। तो ऐसा कभी भी मत करना आप कि मार्केट के अंदर आप बैठे रहोगे आपका प्रॉफिट बन ही जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा अब ये 41,500 का लेवल है क्या, ये देखते हैं, यहाँ से बात बन सकती है हमारी, रेजिस्टेंस वगैरह ले सकता है, कुछ बात बनेगी तो यहीं से बनेगी। अगर इससे भी ऊपर जा रहा है तो फिर मार्केट में काफ़ी बड़ी समस्या हो जाएगी, लग तो रहा है कि समस्या ही होने वाली है, बात बनने वाली है नहीं। जो प्रॉफिट था वो चला गया मार्केट के अंदर, अब हमें मार्केट को देखना है कि कैसा मोमेंटम करता है। ऐसा सपोर्ट लेने की उम्मीद तो नहीं थी मार्केट में, लेकिन क्या करें, लग रहा था सेलिंग में आ जाएगा तो अच्छा कैंडल मार्केट बना के भाग रहा था। तो काम करना तो ज़रूरी होता ना, काम नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कैसे बनेगा, लॉस कैसे होगा, तो काम तो करना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं था मार्केट से कि ऐसा रिवर्सल यहाँ से हो जाएगा। खैर देखते हैं, थोड़ा बहुत तो देखिए मार्केट तंग करेगा आपको, लेकिन जब तक कोई बड़ा ग्रीन कैंडल ना बने तब तक तो आप बच जाओगे यहाँ पे। अदरवाइज अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो फिर हमें लॉस बुकिंग करके मार्केट में निकलना पड़ेगा। देखते हैं, आया तो है सेलिंग, लग तो रहा है अच्छा बात बन तो जाएगी। 12,000 प्रॉफिट तो नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ चार्ट हमारे अकॉर्डिंग जरूर चल रहा है, वेट करेंगे। तो यहाँ पे अपनी पोजीशन में दोबारा से प्रॉफिट चलना तो शुरू हुआ है, और मार्केट के अंदर सेलिंग वगैरह भी आ रहा है,
तो इस बार तो ब्रेकडाउन हो ही जाना चाहिए क्योंकि निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग हमें नज़र आ रहा है। चलो ये हो भी गया, तो 75,000 के अराउंड अपना प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। थोड़ा बहुत और दूर रहते अपने प्रॉफिट में, उसके बाद हम अपना टारगेट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। और छोटा सा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट में, ऑलमोस्ट हम टारगेट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत और निकले मार्केट में तो बात बन जाएगी हमारी। चलिए अभी अपना टारगेट अचीव हो चुका है तो यहाँ से निकलना शुरू कर देना चाहिए हमें। ज़्यादा लालच, थोड़ा सा लालच कर लेना चाहिए, या फिर प्रॉफिट कम हो तो आप यहाँ पे निकलना शुरू कर दो। तो 88,000 के अराउंड मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट बना पाए। मार्केट के अंदर पोजीशन क्यों बनाया था, देखिए मार्केट में क्या था, थोड़ा हमें फ्लैट या गैप अप ओपनिंग मिला था, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम थी कि निफ्टी के अंदर जो हमें ब्रेकआउट नज़र आ रहा था, वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस भी नज़र होते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ, जैसे किसी रेंज को मार्केट ब्रेकआउट करता है वहाँ पे बायर आने की कोशिश करते हैं। तो हमें थोड़ा ये देखना था कि मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट करेगा तो कैसे करेगा, और ब्रेकआउट करने के बाद ये क्या करता है। अगर मार्केट यहीं कहीं होल्ड करता और दोबारा से अपसाइड निकलने की कोशिश करता तो मे बी हमें बाई साइड का ट्रेड बनाना पड़ता, क्योंकि तब तक हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल जाता। लेकिन बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट अच्छे से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे हमें कंटिन्यू सेलिंग नज़र आना शुरू हो चुका था, और इसमें जो ब्रेकआउट हुआ था वो यहाँ पे फेल होता हुआ हमें नज़र आ रहा था, तब जाके हमने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया, ये छोटा सा मोमेंटम कैप्चर किया। अभी भी थोड़ा इंतजार किया जा सकता था मार्केट में एक अच्छे टारगेट के लिए, लेकिन समस्या ये है कि निफ्टी को अगर आप चार्ट देखोगे तो ये ज़्यादा सेलिंग में चल रहा है, और बैंक निफ्टी आना तो चाहिए सेलिंग में, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया था बहुत अच्छा, ये सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया, तो ज़्यादा जाना तो नीचे चाहिए। लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, अगर कोई बड़ा सा कैंडल बन जाता है तो मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे तो आप सेलिंग का ही पोजीशन बनाओगे। तो आपका नेट प्रॉफिट रहेगा 88,000 के राउंड, और पोजीशन बनाया था 9:25 के राउंड, और 9:56 के राउंड हमने सभी पोजीशन को मार्केट में काट दिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।